नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के कर्मचारियों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर यूनियन की हड़ताल। 3 दिनों से संविदा कर्मचारी संघ के कर्मचारियों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर यूनियन की हड़ताल। शासन की नीतियों के विरोध में नारेबाजी। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। विभिन्न मांगों को पूरा नहीं होने के कारण विरोध में सरकारी अस्पतालों में तैनात संविदा टीपी कर्मचारियों की सोमवार से चल रही हड़ताल जारी है। कर्मचारियों ने दस्तावेजों रिश्ते टीवी यूनिट पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक कर्मचारी हड़ताल करेंगे। आउटसोर्सिंग अपना हक लेकर रहेंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हड़ताल है हमारी 4 सूत्री मांगों को लेकर। हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। पहली मांग हमारी समान कार्य प्रणाली। हमारे यहाँ पर जो परमानेंट डॉक्टर्स हैं वो 1.5-2 लाख की सैलरी पर काम कर रहे हैं और हमारे एनएचएम के कार्यरत अंदर डॉक्टर हैं वो 25,000-30,000 रुपये एक मधुआ मजदूर की तरह का है। तो पहली मांग हमारी समान कार्य प्रणाली है। दूसरी हमारी जो सबसे बड़ी मांग है वो है परमानेंट वर्कर्स हैं उनके अगेंस्ट कुछ पद संरचित कर जितने भी एनएचएम के अंदर वर्कर्स हैं, जितने भी एनएचएम के डॉक्टर्स हैं, जितने पैरामेडिकल्स हैं, चाहे वो एएनएफ हो, स्टाफ नर्स हो, आपके टीवी प्रोग्राम में काम करने वाले हमारे जितने भी कर्मचारी भाई बंधु हैं वो लोग हैं, चाहे हमारा बाकी जितने भी एनएचएम के अंदर या एनयूएचएम के अंदर जो वर्कर्स हमारे जो डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं वो पद संरचित कर उन्हें परमानेंट। तीसरी जो हमारी सबसे मेन मांग है आज की डेट में जो ठेका प्रथा चल रही है आउटसोर्सिंग वो ख़त्म करके उन्हें ख़त्म किया जाए। और चौथी मांग जो हमारी सबसे छोटा वर्कर स्वास्थ्य का है वो होती है आशा बहू। वो बेचारी आज 100-200 रुपये के मानदेय पे काम कर रही है। मानदेय भी कोई फिक्स नहीं है उनका मानदेय कम से कम 10,000 रुपये होना चाहिए। ये 400